राजस्थान के धौलपुर जीरे से पुलिस की वर्दी को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पुलिस कांस्टेबल ने ग्रामीणों से ऐसी डिमांड कर दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और हर किसी में गुस्सा है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने गांव के एक युवक से अपने अफसरों की मसाज और रात गुजारने के लिए लड़की की डिमांड की। कांस्टेबल की इस डिमांड से ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है। कांस्टेबल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। चलिए इस मामले को थोड़ा तफसील से जानते हैं। दरअसल धौलपुर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल राम नरेश जाटव ने अपने ही गाँव के एक युवक से मसाज के लिए लड़की की डिमांड की। आरोप है कि इसके लिए उसने ग्रामीण को 1,000 रुपए भी देने का लालच दिया। बताया जा रहा है कि उसने यहां तक कहा कि अधिकारियों को लड़की सप्लाई करनी है। इस घटना से एक गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई जिसमें कांस्टेबल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भागीरथपुरा गांव के लोगों ने सोमवार को एसपी को शिकायत दी। शिकायत के मिलने के बाद एसपी ने सीओ को जांच सौंपी। मामला सही पाए जाने के बाद एसपी सुमित महेरा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल राम नरेश जाटव को निलंबित कर दिया है। ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि कांस्टेबल राम नरेश जाटव ने रविवार को गांव के ही गुड्डू को फोन पर कॉल किया था। उसने कहा था कि अधिकारियों की मसाज के लिए लड़की की जरूरत है। ग्रामीणों ने कांस्टेबल पर आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में भी कांस्टेबल गांव की एक विधवा के घर में घुस गया था। इस मामले में भी ग्रामीण स्तर पर हुई पंचायत के बाद कांस्टेबल ने माफी मांगी थी। आरोपी कांस्टेबल 2015 में करौली से ट्रांसफर होकर धौलपुर आया था, तभी से वहां पुलिस लाइन में तैनात है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।